Hello kids, welcome to my channel 8 Masters Learning. Today we will going to learn first chapter of computer subject. So, are you ready to start video? Okay. Okay, computer subject ka pura syllabus and after that we will do first chapter. Okay. So, see here. This is first chapter. Know your computer. In this two topics are there machine and computer as a smart machine okay next chapter is parts of computer this is the second chapter parts of computer in this chapter we will cover all these topics cpu monitor keyboard mouse printer speakers okay now see this is the third chapter keyboard and keys इन दिस चैप्टर वी विल कवर टू टॉपिक्स की बोर्ड एंड कीज़ वी विल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं की बोर्ड एंड कीज सो यहाँ पे हम ये दो टॉपिक को कवर करेंगे ओके नेक्स्ट इज चैप्टर फोर्थ कंप्यूटर माउस इन दिस चैप्टर वी विल कवर दिस टॉपिक्स इंट्रोडक्शन टू माउस वॉट इज़ माउस माउस क्या है एंड पॉइंटर फंक्शन माउस का जो पॉइंटर होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं हाउ वी कैन हैंडल दैट पॉइंटर नेक्स्ट इज द माउस पैड What is mouse pad? What is the use of mouse pad? Next one is proper way to hold the mouse. How we can hold the proper way? Uh, mouse and at last function of mouse. So, all these topics we will cover in this chapter. Now, chapter number 5th starting and shutting down a computer. In this chapter, we will see two topics. First, steps to start a computer. Computer ko. Co कितने स्टेप्स फॉलो करके हम स्टार्ट कर सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट वन इज द स्टेप स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कितने स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे प्रॉपर वे में कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए सो दिस टू टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर इज द इंट्रोडक्शन टू पेंट पेंट का हमें इंट्रोडक्शन है लास्ट चैप्टर में इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ टू स्टार्ट पेंट पेंट को कैसे स्टार्ट करना है हमें रिबन व्हाट इज द रिबन रिबन क्या है व्हाट इज द यूज ऑफ रिबन इन पेंट ड्राइंग एरिया व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राइंग एरिया इन पेंट ड्राइंग एरिया में हम ड्राइंग कैसे करेंगे ऑल दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक एंड हाउ टू सेव अ पिक्चर इन अ पेंट अगर हम पेंट में जाके कि किसी पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हाउ वी विल सी हाउ हाउ वी कैन सेव पिक्चर्स इन पेंट सो ऑल दिस टॉपिक्स वी विल सी इन इंट्रोडक्शन टू पेंट ओके सो फर्स्ट वी विल सी आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नो योर कंप्यूटर सी हियर इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज मशीन सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मशीन है क्या वॉट इज द मशीन वॉट इज द बेनिफिट्स ऑफ मशीन फॉर अज ओके सो सी हि वॉट इज मशीन मशीन्स आर ह्यूमन मेड थिंग्स इट मेक्स अवर वर्क इजी एज वेल एज सेव टाइम एंड एनर्जी ओके मशीन का क्या काम है ह्यूमन मेड थिंग्स है इट मेक अवर वर्क ईजी इसका क्या काम है इसके क्या बेनिफिट्स है इट मेक अवर वर्क इजी हमारे वर्क को ये ईजी करती है एज वेल एज सेव टाइम एंड एनर्जी ये हमारे टाइम ऑन एनर्जी को टाइम और एनर्जी को भी सेव करती है

कार को हम मशीन क्यों बोल सकते हैं और अगर मशीन बोलते हैं तो उससे हमें कैसे हमारी एनर्जी सेव होती है कैसे हमारा टाइम सेव होता है वो हम देखते हैं सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि अभी मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर कहीं जाना है लॉन्ग डिस्टेंस है तो वहां अगर मैं वॉक करके जाऊंगी देन इट विल टेक मोर टाइम ओके वहां पर मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी ज़्यादा एनर्जी वहां पर मुझे चाहिए होगा बट अगर यही मैं कार के थ्रू करूंगी अगर मैं कार से ट्रेवल करूंगी कार से मैं जाऊंगी सो इट विल टेक नॉट मोर टाइम इन कम्पेयर टू वॉकिंग अगर जैसे हम वॉक के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे कम टाइम में हम कार के थ्रू पहुँच जाएंगे है न सो इट विल टेक लेस टाइम ठीक है तो वहाँ पर क्या हुआ हमारे टाइम को सेव किया नेक्स्ट इज एनर्जी एनर्जी को कैसे सेव करेगा अगर हम वॉक करके जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी बट अगर हम कार में बैठ के जा रहे हैं कार से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट होने की ज़्यादा ज़्यादा वेस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है ना देर इज़ नो नीड ऑफ नीड टू वेस्ट ऑफ आवर एनर्जी सो इन दिस वे मशीन्स सेव टाइम एज वेल एज एनर्जी हमारे टाइम को भी सेव करती है और एनर्जी को भी सेव करती है ठीक है नेक्स्ट वन इज़ द यूजेज ऑफ कंप्यूटर दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक यूजेज ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के क्या क्या यूजेज हैं सो लेट्स सी फर्स्ट वन ड्रॉ पिक्चर पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं सपोज मतलब कंप्यूटर में हम मतलग, uh, computer hum, अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं सो वी कैन इजली ड्रॉ पिक्चर्स इन कंप्यूटर इन पेंट पेंट में जाके हम पिक्चर्स को ईजली ड्रॉ कर सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट वन इज़ द सॉल्व सम्स अगर हमें सम्स को सॉल्व करना है तो हम इजली कंप्यूटर में सम्स को सॉल्व कर सकते हैं अभी सपोज मुझे 12 प्लस फिफ्टीन करना है तो ये मुझे काउंट करने में एक दो सेकेंड लगेगा बट अदरवाई बट अगर मैं कंप्यूटर पे चीज को डालूंगी कैलकुलेटर में 12 प्लस फिफ्टीन सो इट विल टेक हार्डली टू और थ्री सेकेंड्स एंड मुझे आंसर पता चल जाएगा सो so, सम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं नेक्स्ट वन इज़ द टाइपिंग पर्पज़ अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो वहाँ पे मैं कंप्यूटर का यूज़ करूँगी अगर सपोज पेन एंड पेंसिल लेकर पेपर uh, uh, पे राइटिंग uh, करने से बेटर है कि मैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड यूज़ करके टाइप कर सकूँ तो वहाँ पे मुझे जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करना होगा वो मेरे लिए इजी होगा सो दिस इज़ द टाइपिंग पर्पज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग परपज़ फोर्थ वन इज द प्ले गेम गेम खेलने के लिए कंप्यूटर uh, पर हम इजली गेम खेल सकते हैं गेम को इंस्टॉल किया जाता है और हम इजली गेम खेल सकते हैं सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ़ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर लिसन टू म्यूज़िक म्यूजिक सुनने के लिए अगर मुझे कुछ म्यूजिक सुनना है तो मैं कंप्यूटर पर म्यूज़िक में जाके आराम से उस चीज़ को प्ले कर सकती हूँ और वो चीज़ इजली मैं सुन सकती हूँ सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजेज ऑफ कंप्यूटर लास्ट वन इज़ द स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन अगर मुझे कुछ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो एट दैट टाइम मैं आराम से कंप्यूटर का यूज़ कर सकती हूँ डेटा और डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अब कैसे वो यूज़ करूँगी सपोज़ अगर uh, मुझे एक स्टोरी लर्न uh, है और मुझे वो स्टोरी uh, टाइप करना है तो मैं इज़िली उसको टाइप करके किसी फ़ोल्डर में सेव करके मैं वहाँ पे किसी फाइल में स्टोर करके कंप्यूटर में रख सकती हूँ तो मेरा वहाँ पे डेटा वो सेफ वो स्टोरी जो भी या फिर इंफॉर्मेशन है वो ई वहाँ पे आराम से सेव रहेगा जब तक कि उसको मैं वहाँ से रिमूव नहीं करूँगी या फिर डिलीट नहीं करूँगी सो वी कैन ईजली स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर ओके सी हियर ड्रॉ पिक्चर यहाँ पे देखो पेंट में जाके मैंने पिक्चर को ड्रॉ किया है सो so इस तरीके से आप भी कोई भी पिक्चर को पेंट में जाके ड्रॉ कर सकते हो सॉल्व सम्स सम्स को सॉल्व करने के लिए सम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम आराम से कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं टाइपिंग पर्पज़ के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है सी हियर नेक्स्ट वन इज द प्ले गेम गेम को प्ले करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं लिसन टू म्यूजिक म्यूजिक सुनने के लिए भी हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं एंड लास्ट वन इज़ द स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन सो दिस इज़ द सम यूजेज ऑफ कंप्यूटर okay important exercise some important exercise are uh, given here this is for uh, from first chapter see here first question number 1 true or false uh, here uh, some statements are given we have to uh, say that uh, given statements are true or false okay first we will see फर्स्ट स्टेटमेंट मशीन मेक अवर वर्क इजी मशीन हमारे काम को इजी बनाती है सो इज दिस ट्रू और फॉल्स यस दिस इज ट्रू गुड नेक्स्ट वन अ कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है सो इज दिस ट्रू और फॉल्स कंप्यूटर हमारी हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करती है कंप्यूटर कभी भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन कर सकती है क्या नो सो अ कंप्यूटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट वन मशीन्स आर नेचुरल थिंग्स मशीन जो है ये नेचुरल थिंग्स है uh, इसके पहले हमने देखा था स्टार्टिंग में ही मशीन्स आर ह्यूमन मेड थिंग्स मशीन क्या है ये ह्यूमन मेड थिंग्स है ये ह्यूमन uh, ने बनाया है मशीन्स आर नॉट नेचुरल थिंग्स सो दिस स्टेटमेंट इज और फॉल्स फॉल्स। मशीन्स आर नेचुरल थिंग्स सो दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन अ कंप्यूटर डज द वर्क हियर टू ऑप्शंस आर गिवन फास्टर स्लोअर सो विच वन इज करेक्ट हियर

Game or sums? Game. So you can play game on a computer. Correct. Fourth, you can solve dash on a computer. So which one is correct here? Sums. Very good. You can solve sums on a computer. Fifth, a computer run on dash uh, air or electricity? Yes, electricity. Compu a computer runs on electricity. This is the correct answer. Sixth, a computer Dash a smart machine. A computer is or is not a smart machine. So which option is correct here? A computer is a smart machine. Very good. So first one is the correct option. Next, you can drop picture on dash. सो so, आप पिक्चर्स कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो या टू ऑप्शन कंप्यूटर एंड वन एंड अनदर ऑप्शन इज द कैलकुलेटर सो विच वन इज करेक्ट कंप्यूटर और कैलकुलेटर विच वन इज करेक्ट यस कंप्यूटर यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर यू कान ड्रॉ पिक्चर ऑन कैलकुलेटर ओके सो विच वन इज करेक्ट यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर ओके सो so, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स टेक केयर और अगर, अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और यहाँ पर हमारे इस चैनल पर आपको एजुकेशन रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सारे वीडियोज यहाँ पे आपको मिलेंगे सो so, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बने रहिए थैंक्स एंड बाय बाय